दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे टॉप 10 कॉलेज जीपी रेटिंग इन इंडिया। इंडिया में जो टॉप 10 जीपी रेटिंग के इंस्टीट्यूट है, जो इनके पास जीपी रेटिंग का कोर्स कराया जाता है, वो भी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि आज हम लोग टॉप 10 जीपी रेटिंग इंस्टीट्यूट, वो भी डीजी अप्रूव्ड जो इंडिया में है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने मर्चेंट नेवी में जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है कोलकाता में, कौन से कॉलेज हैं उनके बारे में बताया, लेकिन आज मैं इंडिया में बताऊँगा कि जो टॉप 10 कॉलेज हैं जीपी रेटिंग के लिए, जो जिसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो वो फ्रॉडिंग का कोई उससे इशू होने वाला नहीं है। आपका हो सकता है कि प्लेसमेंट भी हो जाए और पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो चलिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। 10 पर कौन सा इंस्टीट्यूट आता है? तो नंबर 10 पर जो इंस्टीट्यूट आता है उसका नाम है HIMT, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपका चेन्नई में पड़ता है। तो नंबर 10 पर मैंने HIMT कॉलेज को रखा है। अगर आप चेन्नई साइड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जाकर आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है और यहाँ पर अच्छी खासी पढ़ाई भी होती है। प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का अलग से चार्ज देना पड़ता है। और जीपी रेटिंग की फ़ी की बात करें तो HIMT में जीपी रेटिंग की फ़ी 1.5 लाख है, यानी आपको 1,50,000 रुपये HIMT में जीपी रेटिंग के लिए पड़ता है। प्लेसमेंट की इसकी बात करें तो आपको प्लेसमेंट यहां से कंपनी आएगी नहीं, आपको प्लेसमेंट लेना हो तो डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करना होगा, वो आपको पैसे लेकर आपको सीट दिला देंगे। नंबर 9 कॉलेज की बात कर ले तो नंबर 9 कॉलेज में आता है CMET, यानी जिसको CMET बोलते हैं, सेंट्रल मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। अगर आप यूपी साइड से बिलोंग करते हैं तो CMET में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी कॉलेज की जो फ़ी है वो आपकी 2 लाख रुपए है। प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट यहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आपको प्लेसमेंट लेना है तो आप अपने डायरेक्टर से बात करेंगे इंस्टीट्यूट में, वो आपको पैसे लेकर प्लेसमेंट दिला देगा। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 जो कॉलेज है उसका नाम है एक्वाटेक मैरीन कॉलेज, ठीक है। एक्वाटेक जो आपका कॉलेज है वो आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है। अगर आप दिल्ली साइड में बिलोंग करते हैं तो आप एक्वाटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। इसकी जो फ़ी की बात कर लें तो इसका जो फ़ी है वो 2,60,000 रुपये है। एक्वाटेक में अच्छी पढ़ाई होती है, फैसिलिटी भी सब अच्छी है। लेकिन प्लेसमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जिस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पर उस कंपनी में आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, लेकिन प्लेसमेंट का चार्ज आपको अलग से लिया जाएगा। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी। यह आपका जो पड़ता है न्यू दिल्ली में पड़ता है। अगर आप दिल्ली साइड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो कॉलेज की फ़ी है वो आपका है 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये कॉलेज की फ़ी है। प्लेसमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट इसमें कंपनी आएगी नहीं, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर या वहाँ का जो MD है उससे बात करना पड़ेगा, वो आपको प्लेसमेंट दिला देंगे। पढ़ाई श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज स्टडी में अच्छी होती है। अब नंबर 6 की बात कर ले तो अगर आप कोलकाता साइड में या बिहार साइड में बिलोंग करते हैं तो आप कोलकाता में चल जाएंगे। उस कॉलेज का नाम है मैट्री, उसका शॉर्टकट नाम है, पूरा नाम है मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका ऑफिस कोलकाता में है, कालीघाट में, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो इसका कैंपस है फलता में है, फलता सेक्टर 4 नोएडा। इसकी फ़ी की बात करें तो इसका फ़ी आपका 1,80,000 रुपये है। और अगर आप बिहार या कोलकाता साइड में बिलोंग करते हैं तो यह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा, डीजी अप्रूव इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर पढ़ाई भी ज़बरदस्त होती है। प्लेसमेंट की बात कर लें तो प्लेसमेंट यहाँ के जो MD हैं उनका नाम है MG राजन, डायरेक्टर हैं, वो आपको प्लेसमेंट दिला देंगे, लेकिन प्लेसमेंट का आपको अलग से चार्ज लगता है। नंबर 5 की बात कर लें तो नंबर 5 जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है कमांडर अली मर्चेंट नेवी एकेडमी, ठीक है। यह आपका हैदराबाद में तेलंगाना साइड में पड़ता है। अगर आप चेन्नई साइड या साउथ इंडिया में रहते हैं तो आप कमांडर अली मर्चेंट नेवी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ी 1,90,000 रुपये है।
यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, सब चीज़ यहाँ पर अच्छा होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग डिसिप्लिन के साथ दी जाती है, लेकिन प्लेसमेंट का वही फंडा है कि प्लेसमेंट का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। नंबर फोर की बात कर ले तो नंबर फोर है उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और इस कॉलेज की फ़ीस सबसे कम 1,20,000 रुपये है। अगर आप उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर शिपिंग कंपनी प्लेसमेंट देने के लिए आती है, कुछ कंपनी, एक दो कंपनी आपको प्लेसमेंट देने के लिए आएगी और आपका प्लेसमेंट फ्री में होगा, लेकिन आपको इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। तो उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी में आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर थ्री की बात कर ले तो नंबर जो थ्री इंस्टीट्यूट है उसका नाम है द ग्रेट ईस्टर्न मेरीटाइम स्टडी, ये आपका नवी मुंबई में पड़ता है। इसकी कॉलेज की फ़ीस सबसे ज़्यादा है 4.5 लाख, यानी 4.5 लाख रुपये इस कॉलेज की फ़ी है, लेकिन इसमें वही लड़के एडमिशन ले सकते हैं जिसने ITI किया हो। और इसमें इसकी खुद की शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, और इसमें GP रेटिंग करने के बाद आपको प्लेसमेंट वो अपनी खुद की कंपनी में दे देता है। तो अगर आप ITI किए हुए हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है द ग्रेट ईस्टर्न मेरीटाइम स्टडी, आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। नंबर टू की बात कर लें, नंबर टू पर आता है TS रहमान ट्रेनिंग शिपिंग रहमान, ये आपका मुंबई में पड़ता है, ये आपका बहुत ही बेस्ट 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 कॉलेज है, ठीक है। नंबर दो पर मैंने TS रहमान को रखा है, अगर लेकिन TS रहमान में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। इस कॉलेज की फ़ी की बात कर लें तो इसका कॉलेज का फ़ी है 2,39,000 रुपये। इसमें आपका एडमिशन होने के बाद GP रेटिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सब चीज़ अच्छा होता है, और कुछ कंपनी भी प्लेसमेंट देने के लिए आती है। तो अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं और कंपनी के का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगी, मतलब हो सकती है। नंबर वन पर आता है जो सभी दोस्तों सभी यारों को मेरा पता ही होगा, वो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, उसका नाम है नूसी मेरीटाइम एकेडमी, जो आपका गोवा में पड़ता है। जी, नूसी मेरीटाइम एकेडमी, ये GP रेटिंग का नंबर वन कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ी 1,60,000 रुपये है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और इंटरव्यू देना पड़ता है, जब क्लियर हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग चलती है और इसमें शिपिंग कंपनी आपको प्लेसमेंट करने के लिए आती है। और इसमें आपका में आपका 90% तो चांस है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनी इसमें प्लेसमेंट देने के लिए आती है। तो मैंने आपको टॉप 10 इंडिया के कॉलेज बता दिए GP रेटिंग के, अगर इसमें टॉप 10 में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी फ्यूचर बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना बोले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।